जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट सिक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में जैसा कि आपको पता है कि 170,000 पदों पे बहाली की प्रक्रिया चल रही है बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर, लेकिन क्या इस नोटिफिकेशन का छात्र इंतज़ार कर रहे थे? नहीं, छात्र इंतज़ार कर रहे हैं कि सीटेट जुलाई 2023 वाले को यहाँ पर मौका दिया जाए आवेदन करने का इस बहाली की प्रक्रिया में। क्योंकि अभी इनको मौका नहीं मिला तो शायद 5 साल तक कोई भी नोटिफिकेशन शिक्षक बहाली को लेकर नहीं आने वाली है, और ये प्रक्रिया में अगर ये पार्टिसिपेट हो गए तो शायद लाखों छात्रों का यहाँ सपना पूरा हो सकेगा। लेकिन क्या नोटिफिकेशन आया है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, और एक नहीं दो नोटिफिकेशन आपको दिखलाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि हर छात्र जो है आवाज़ बने अपनी इस लड़ाई में कि सीटेट जुलाई 2023 को भी मौका ज़रूर मिलना चाहिए इस बीपीएससी की बहाली की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने को लेकर। क्योंकि वो छात्र अपना मांग रख रहे हैं कि उनको बहाली की प्रक्रिया में बैठने दिया जाए, ये अपना ज्वाइनिंग लेटर नहीं मांग रहे हैं। तो ये आवाज़ आप लोग बन सकते हैं एक एक शेयर करके अपने व्हाट्सएप के, हो सके तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में इस वीडियो को लिंक को शेयर कीजिए ताकि हर एक लोगों तक आवाज़ पहुंचे, सरकार तक आवाज़ पहुंचे कि इनको भी मौका ज़रूर देना चाहिए। फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी नोटिफिकेशन और देना चाहेंगे। चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए लेकर आया है बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी को लेकर एक बेस्ट बुक, जो कि आपके लिए एक गाइड बुक भी है और आपका प्रैक्टिस बुक भी है हिंदी भाषा के लिए और अंग्रेजी भाषा के लिए भी। यहाँ पर आपको बीपीएससी ने एक बुक जारी किया है जिस बुक के जरिए आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो अगर आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके सीधे परचेज कर सकते हैं, या चक्षु पब्लिकेशन का बुक आपको मार्केट में अवेलेबल है वहां से भी जाके आप इसको खरीद सकते हैं, जहां पे 2300 से भी ज्यादा प्रश्नों की श्रृंखला इस 20 सेट में दिया गया है। इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं, और भाषा व से संबंधित भी यहां पे 2450 प्रश्नों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। 25 प्रैक्टिस सेट यहां भी दिया गया है जहां पे आपको अंग्रेजी में 25 नंबर और हिंदी के 75 नंबर के क्वेश्चन आर इसी पैटर्न के आधार पर, जो कि बीपीएससी यहां पे जारी की है अपना सिलेबस, उसी पैटर्न के आधार पर, उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के आधार पर यह पूरा का पूरा बुक तैयार करके दिया गया है आप लोग को। तो जल्दी से इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए या फिर अपने नजदीकी बुक स्टॉल से इसको मंगा लीजिए। चलिए दोस्तों, इसके बारे में अपडेट आया है, आज 19 जून को आया है और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा विभाग ने आपको अपडेट करके दिया है, जो कि ये है आपके सामने, ये देखिए शिक्षा विभाग ने इसको अपडेट करके यहाँ पे दिया है। शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या 25/9/2019 है ना, 25/9/2019 द्वारा वर्ष 2019-20 में पंचायत प्रारंभिकी शिक्षक और नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन हेतु स्पष्ट किया गया कि बीटेट 2017 के लिए प्रावधानित है और सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% मार्क्स, पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य कोटि महिला के लिए 55% अंक का आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। यानी कि देखिए, जो भी लोग 2017 से पहले एग्ज़ाम दिए थे, चूँकि देखिए आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 2011 में, फिर 2017 में, उसके बाद कोई भी बिहार का TET एग्ज़ाम नहीं लिया गया था, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो एग्ज़ाम नहीं लिया गया 2017 के बाद। तो यहाँ पे जो कि सीटेट एग्ज़ाम होता ही था, इसको लेकर बिहार सरकार आगे एग्ज़ाम नहीं भी लिया, लेकिन इसका एक आधार बना दिया इन्होंने कि जो भी छात्र TET एग्ज़ाम में जो कि सामान्य वर्ग से आते हैं वो 60% मार्क्स लेकर आएँ, और जो उम्मीदवार पिछड़े वर्ग से हैं या महिलाएँ हैं या पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो महिलाएँ हैं या पुरुष हैं, उनका 55% मार्क्स जो है आना चाहिए, स्कोर होना चाहिए, तभी वो जो है यहाँ पर आवेदन के योग्य पाए जाते हैं, यानी कि उनको बिहार में शिक्षक बनने की अनुमति मिल सकती है। अब ये जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, आपको बता दें कि 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अब 150 का 60% यानी कि आपको मान लीजिए लगभग 90 नंबर जो है लेकर आना है किसको, तो जनरल और EWS कैटेगरी के जो भी छात्र हैं उनको, तो उनको क्वालिफाई अब यहाँ पर माना जाएगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला को 55%, यानी कि 150 का अगर 55% हम बात करें यहाँ पे, तो 150 का 55% होता है 82 के आसपास कुछ नंबर होता है, लेकिन इसके ऊपर केस भी चला था, तो यहाँ पे 82 भी अगर नंबर आपका है देन यू कैन एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप लोग हैं इस शिक्षक पात्रता में 55% लेकर आते हैं, तो महिला OBC है या पुरुष OBC हैं या ABC हैं, तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा।
उसी के आधार पर उत्तीर्ण यहाँ पर किया जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST कैटेगरी में या फिर निःशक्त यानी कि जो PH कैटेगरी के छात्र आते हैं उनको 50% मार्क्स लेकर आना है, यानी कि 150 का 50% यानी कि 75 नंबर, यानी कि जनरल में 90 और यहाँ पे OBC में EBC में 82 और SC/ST और दिव्यांग कोटों के लिए 75 नंबर लेकर आएंगे, तो आपको यहाँ पर ये आवश्यक लाना है नंबर, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे इस एग्ज़ाम में, इस पात्रता में। ये आपका जो है 2019-20 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसी के अनुरूप प्राथमिकी विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति की हेतु यहाँ पे अभ्यर्थी की अर्हता निर्धारित की जाती है और उपरोक्त प्रावधान बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक जो कि इस बार नियमावली 2023 लाया गया है इसमें भी यही लागू रहेगा। तो जितने भी छात्र जो है यहाँ पे प्राथमिकी विद्यालय में विद्यालय अध्यापक के लिए करीब 79,943 सृजित पदों पर नियुक्त के क्रम में CTET में अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगा, इस नियम को यहाँ भी लागू किया गया है। तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दे दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको एक नोटिफिकेशन और दिया गया है वो मैं आपको दिखलाता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है, सेम चीज़ें यहाँ पर बोली गई है, बताया गया है यहाँ पर कि शिक्षा जो विभाग है बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु यहाँ पे 30 मई 2023 ठीक है ध्यान से सुन लीजिएगा को आयोग के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या जो 26/2023 है इसकी कंडिका के 4L में यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा आहूत शिक्षक पात्रता जैसे कि TET एग्ज़ाम जो होता है ये शिक्षक पात्रता का एग्ज़ाम होता है, तो इसमें इसके अंतर्गत जो है प्राथमिकी शिक्षक के लिए CTET पेपर 1 अथवा BTET पेपर 1 उत्तीर्ण हो है ना, ये आपका क्वालिफिकेशन नीचे रखा गया है शिक्षक पात्रता के लिए। तो इसके संबंध में शिक्षक विभाग के पत्रांक संख्या जो कि दिनांक 17 जून 2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि CTET अभ्यर्थी को यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए BTET 2017 के लिए लागू जो भी प्रावधान अनुसार यानी कि जो पहले से इनके प्रावधान लागू किए गए थे सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को 60% और अंक पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग सामान्य कोटि की महिला और उम्मीदवारों को 55% यानी कि देखिए जो जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं उनके लिए भी 55% है मार्क्स लेकर आना, ये ध्यान रखिएगा। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 50% मार्क्स आधार उत्तीर्ण माना जाएगा, यानी कि जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी में अगर आप हैं तो ये ध्यान रखिएगा आपका 90 नंबर रहना ज़रूरी है CTET या BTET में, ये आपको रखना होगा ध्यान। अच्छा जो महिला हैं OBC में या जनरल में या EBC में है ना, ये तीनों में ये ध्यान में रखिएगा उनके लिए यहाँ पे जो है 82 या 82 से ज़्यादा नंबर है तो वो क्वालिफाई हो जाएंगी। जो भी छात्र छात्राएं अनुसूचित जाति जनजाति से हैं या निःशक्त कोटि से हैं यानी कि PH कैटेगरी से हैं तो उनको 75 नंबर यानी कि 50% मार्क्स बोला गया यहाँ पे तो उत्तीर्ण होना उसको माना जाएगा। तो ये अब लागू कर दिया गया है यहाँ पे, ये आपका क्वालिफाई। इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे छात्र परेशान भी थे कि आखिर कितने नंबर पे ये क्वालिफाई माना जाएगा है ना, कौन कौन से छात्र यहाँ पे क्वालिफाई हैं तो वो अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अब सरकार जो है ऐसी नोटिफिकेशन अब दे रहा है जो कि ये नोटिफिकेशन को पहले दे देना चाहिए था क्योंकि अभी फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है। अब ये फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि 82 या 90 नंबर नहीं लेकर आए हैं और वो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, तो क्या सरकार उनका पैसा वापस करेगी, ये एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ पे। तो सरकार को यहाँ सोचना चाहिए कोई भी नियम लागू करने से पहले, ये पहले का प्रावधान फिर से यहाँ पे लागू कर दिया गया है। फिलहाल ये जो कोटि सब वर्ग है जो भी आपको दिया गया है इन सभी कैटेगरी के लिए ये नंबर मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन दिया गया है उन छात्रों के लिए जो कि उर्दू बांग्ला के भाषा से संबंधित हैं। तो साथ ही उक्त विज्ञापन के कंडिका 4A में परंतु 3 में वर्ग 1-5 के उर्दू पदों पर नियुक्त हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंक के साथ स्थान पर उर्दू के इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ एवं परंतु 1-5 के लिए बंगला शिक्षकों के पदों पर 50% का बंगला के स्थान पर इंटर में 50 अंकों का बंगला तथा कंडिका 6 के चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पत्र संख्या 4 विषय एवं सामान्य अध्ययन के अभियुक्त में उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के लिए तथा वर्ग 11-12 जो कि भाग 1 में विषय पत्र में शामिल वाणिज्य के स्थान पर बिजनेस स्टडी पढ़ा जाएगा। तो ये एक अपडेट है कि आपको जो उर्दू में है टीचर या बांग्ला में है उनको 50% के साथ साथ उस सब्जेक्ट में है ना उसके स्थान पर उर्दू में 50 अंक के साथ भी आपका मार्क्स होना चाहिए।
ठीक है, बांग्ला के टीचर हैं तो 50% तो आपका होना ही चाहिए मार्क्स पूरा इंटरमीडिएट में, लेकिन 50 अंक जो है आपका होना चाहिए बांग्ला में। तो ये उर्दू और बांग्ला के लिए अभियुक्त के लिए आपको अपडेट किया गया है। और यहाँ पे एक बोला गया है कि विषय एवं समान अध्ययन के अभियुक्त में उच्च माध्यमिक विद्यालय में है ना, जो कि 11th 12th का क्लास होता है, उसमें जो भाग एक है विषय पत्र में शामिल जो सिलेबस इस बार डाला गया है कॉमर्स वालों के लिए, तो वाणिज्य के स्थान पर बिजनेस स्टडी भी उसको पढ़ा जाए, है ना। तो बिजनेस स्टडी कॉमर्स वाले को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 11th 12th के लिए, जो 2022 में उसका एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ है। बाकी जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जो दिया गया है कि विज्ञापन के शेष शर्तें यथावत रहेंगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एक नोटिफिकेशन और देना चाहिए था कि सीटेट जुलाई वालों को यहाँ पर जो है आवेदन करने का मौका देना चाहिए था, जो कि सरकार बार बार नोटिफिकेशन डाल रही है, नियम कानून बदल रही है, लेकिन इनको मौका नहीं दिया जा रहा। और ये छात्र अपने इस परीक्षा में बैठने के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं कि उनको भी मौका मिल जाए, ताकि अब ये बहाली की प्रक्रिया पता नहीं 4 साल बाद आएगी या 5 साल बाद आएगी, ये कोई नहीं जानता है। तो सरकार से विनती है कि उनको भी बैठने का मौका दिया जाए। वो ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अपने लिए लड़ रहे हैं, तो उनको ज़रूर उनको एक मौका दिया जाए, उनको भी बैठने का इस एग्ज़ाम में। फिलहाल अभी तो इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन जो भी छात्र इस फॉर्म को भर रहे हैं वो भी इस नोटिफिकेशन को ज़रूर देख लीजिएगा। अभी फॉर्म भरते समय या फॉर्म नहीं भरे हैं तो थोड़ा सुनिश्चित हो लेंगे इन सभी चीज़ों को लेकर, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अभ्यर्थी को क्या सुनिश्चित करना है, उनके पास वैलिड वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित भी रखना है, यानी कि ये आपका जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव रहना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन के अंकित बिंदुओं पर ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिए हैं और विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी मार्कशीट वगैरह है, ये आपके पास मूल रूप से अवेलेबल होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो, ठीक है। और संबंधित विज्ञापन के अनुरूप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड किए जाने के संबंधित वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज का स्कैन कॉपी उसको 100 KB के साइज में ही करके अपलोड करना है, जैसा कि मैंने आपको फॉर्म भर के बताया भी है, ठीक है। और सिस्टम या डेस्कटॉप या लैपटॉप से आवेदन भर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अच्छी क्वालिटी का वेबकैम उस पर लगा होना चाहिए, ताकि आपका फ़ोटो साफ खींचकर जाए, क्योंकि इस बार के एक बदलाव किया गया है कि आपको फ़ोटो जो है अपलोड नहीं करना है। मैंने फॉर्म भरने वाला वीडियो जो बनाया उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे आपके पास अच्छा वेबकैम होना चाहिए जिससे लैपटॉप या डेस्कटॉप से आप फॉर्म भर रहे हैं, ताकि उसका लाइव फ़ोटो जो है आपका खींच के वहाँ पर अपलोड कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही सुनिश्चित कर लें कि फ़ोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए, जो कि पर्याप्त रोशनी सफिशेंट लाइट में होना चाहिए। ये एक बदलाव किया गया है यहाँ पर, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अपलोड किए जाने वाले हिंदी या अंग्रेजी हस्ताक्षर जो हैं वो 220x100 पिक्सल के उपलब्धता में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में इसको लिया जाएगा, और ये 15 KB के साइज़ का फ़ोटो होगा सिग्नेचर वाला। तो ये रजिस्ट्रेशन करते समय थोड़ा सा इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और आपके पास ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव होना चाहिए, उसी पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड शेयर किया जाएगा, जो कि आपको एक्टिव लास्ट तक रखना है इन सभी चीज़ों को। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो 100 KB से कम होने चाहिए, 100 KB तक चलेगा, है ना, उसको अपलोड करना है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। और एडिट करने का जो बात यहाँ पे आया है कि एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अब लोग, जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, तो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म में विवरण भरने के बाद एडिट करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एडिट करने का ऑप्शन पेमेंट करने के पूर्व तक उपलब्ध रहेगा। इसकी अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि में एडिट करने का प्रावधान बिल्कुल रहेगा, तो ये आपको मौका मिलेगा। और अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म के विवरण में आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन पेमेंट करके एडिट किया जा सकता है, मतलब कि आप लोग लास्टली पेमेंट मत कीजिएगा फॉर्म भर लेके, एक बार अच्छे से प्रीव्यू कर लीजिएगा, नहीं तो पेमेंट कर दीजिएगा तो फिर आप एडिटिंग नहीं कर पाइएगा इन सभी चीज़ों में, ठीक है। और आप लोग फाइनली पेमेंट कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड जो पेमेंट वाला सेक्शन है वहाँ से जाके, जो कि तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे। और उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे उसका एक प्रिंटआउट जरूर अपने पास लेके रख लीजिएगा, हार्ड कॉपी वगैरह, ये आपके जानकारी के लिए मैं आपको पहले बताया था जब फॉर्म भर के बताया था। तो सबमिट करने से पहले आप अपने पास हार्ड कॉपी ज़रूर रख लीजिएगा इसका प्रीव्यू वाला भी, ठीक है, तब जाके जो है आपका सारा डिटेल आपके पास सुरक्षित रहेगा। फिर भी कोई डिटेल में अगर दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पे क्वेरी है, इस नंबर पे आप क्वेरी करके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ये BPSC का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है यहाँ पे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही है, लेकिन आवाज़ उठाइए, आवाज़ बनिए दूसरों का, एक दूसरे का हाथ बताइए, ताकि सभी को मौका मिले इस एग्ज़ाम में बैठने को लेकर।
जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।